अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुमान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुमान खाली 003। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। हमने मुर्गी कुरक पे बिठाने की कोशिश करनी है, उसे बिठाते हैं और एक बैड न्यूज़ है वो भी आपको दिखाते हैं। जी अपनी इसको दाना पानी डाल दिया, अपने मौजे करे हैं, अब हम चलते हैं आपके लोग के पास, उनको भी दाना पानी डाल दिया। ये देखें मुर्गी अभी अंडा देख रही है, वो अंडा पड़ा हुआ है, अंडा हम खा लेते हैं। ये आस्ट्रेल का दाना पानी मैंने डाल दिया, ये खुश है। तो ऊपर चलते हैं, मौसम बड़ा प्यारा बना हुआ, ऊपर जाकर आपको दिखाते हैं। बकरा भी मारने लग पड़ा, मैं ऊपर आया हूँ तो पीछे पड़ गया मेरे, पहले छतरा ही मारता था सिर्फ, अब ये बकरा भी मारता। तो ये चेक करें आएगा, ये चेक करें। ये आजकल बड़ा बदमाश हो रहे हैं सारे, किन्ने को कल तेल दिया था छोटे बकरे को, छतरों को भी देना है इंशाल्लाह। एक बकरे की डीवर्मिंग करनी है माड़ू की, तो वो अभी तक मैंने नहीं की है, वो भी करते हैं। इनको खाना वगैरह डालते हैं, वो भी डालते हैं, जैपनीज को खोलना उनको भी खोलते हैं। ये देखें बकरी भी बैठी हुई है, सारे सुकून कर रहे हैं, बड़ा प्यारा मौसम बना हुआ है, वो आप बड़ी तेज चल रही थी आके। फिलहाल जैपनीज को खोलते हैं हम ताकि आज़ादी के मज़े ले लें थोड़े से। ये आगे फीमेल आएगी, फीमेल को तो मेरे पास वाइट जैपनीज मेल निकला हुआ है, एक मैं वो आपको दिखाता हूँ। हालांकि अभी इसे तेल दिया है, फिर भी वही काम है इसके, पूरा बदमाश है ये। मुर्गी यहाँ पे कुड़क नहीं बैठ रही, आज रात में देखूँगा। ये अंडे मैं लेके आया हूँ अपने हमसायों से, जिनका मुर्गी फार्म बन रहा है, एहसन भाई, उनसे ये मैं अंडे लेके आया। तो उन्होंने कहा था यार मेरे पास कोई मुर्गी नहीं है, मैं कहा अच्छा मेरे पास है, मैं इंशाल्लाह अंडे मुर्गी कुड़क मिलेगी तो मैं बिठा दूँगा। तो ये यहाँ पे बैठ नहीं रही, तो देखते जब बैठेगी ठीक है रात तक, नहीं तो फिर इसे पीछे शिफ्ट करके बिठाएंगे। और एक बैड न्यूज़ है वो मैं आपको बिल्कुल दिखाता जी, बैंटम, ये इनकी टांगें पता नहीं कमज़ोर हो गई हैं, देखो चलने में इनको मुश्किल पेश आ रही है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं चल रही। ये देखें अंडा इसने दिया हुआ मगर चल नहीं रही बिल्कुल भी, इसका अंडा हम रख लेते हैं ऊपर। तो अंडा में पता नहीं कोई मसला हुआ, वैसे मैं आगे दोपहर में बाहर छोड़ा था लेकिन नहीं, इसको मैथिक बाल का सोच रहा हूँ, एक इंजेक्शन लगाएं शायद ठीक हो जाए। और आज माशाल्लाह से पॉलिश ने भी अंडा दिया हुआ, ये देखें। तो इसकी पता नहीं टांगों को पहले भी एक दफ़ा हुआ था मगर सेट हो गई थी, अब फिर मसला बन गया उसको थोड़ा, इसको ज़्यादा। तो इसको मैथिक बाल के इंशाल्लाह इंजेक्शन लगाते हैं जी। वो मुर्गी निकली है यहाँ से, तो ये यहाँ पे अपना नीचे फिरने लग पड़ी है माशाल्लाह से। तो इनकी जगह मैं सोच रहा शिफ्ट करके यहाँ पे मुर्गी कुड़क बिठा दूँ दोनों, लेकिन मेरे पास कोई केज फिलहाल फारी नहीं है, लेकिन देख लेते हैं कोई जगह बनती है तो ठीक है। और कल की वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं बकरों की खुराक का बताऊँगा, सुबह शाम की जो खुराक है मैंने कुछ चेंजिंग की है इंशाल्लाह बताऊँगा। ये यहीं पे पड़ी है, पहले मैं इसे सुबह नहला के दाने के पास छोड़ के दाने के अंदर भर के दाना खाती रहे तो चला गया था। अब ये देखे इसका दाना भी थोड़ा खाया हुआ है, पानी भी मेरे साथ थोड़ा ही पिया हुआ है, पीती रहेगी खुद ही इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। और लेकिन मैथिक बाल का इंशाल्लाह इंजेक्शन लगाऊंगा, मैथिक बाल या नैरोबियन मेरे ख्याल से हैवी हो जाएगा, नैरोबियन का जो टीका है इसको वही देंगे इंशाल्लाह, मैथिक बाल का या नैरोबियन की गोली खिला देंगे इसे। तो मैं जैपनीज का केज बंद करके हल्के आया था, बकरियां इतनी शरारती हो गई हैं, खोल के चुना साहब अंदर चले गए हैं, अब दाना उनका जो पड़ा हुआ वो खा रहे हैं, तो इसे निकालते हैं ऐसे नहीं, ये डर के निकलता मारता है इसे डंडे से निकालते हैं। आगे मैं बंद करके गया था ऐसे हटा के, फिर इसे लोग भी हटा देते हैं और इनको थोड़ी देर तक अभी खाना डालते हैं। ये दो चूजे मर गए, ये जैपनीज का मेल था, ये बैंटम की फीमेल थी, तो ये मर गए हैं, इनको दबा के रखते हैं। इन सब जानवरों को मैंने घास डाली है, बकरियों को मुर्गियों को वो भी खा रहे हैं, चूजों को सबको घास डाली है, इनको भी डाली, तब इनको दबा के मैं आपको मिलता हूँ। ये सारे घास खा रहे हैं अपने अपने जगह पे, लल्लू के खा रहे हैं, ये देखो घास इनको डली हुई है, खाते रहेंगे ये लोग। मैं पीछे जैपनीज को वगैरह को घास डाल रहा हूँ, बैंटम को और पॉलिश को और सीलों को घास डाल के मैं आपको बोलता हूँ जी, सबको घास डाल दी है, इधर पॉलिश खा रहे हैं, अपर बैंटा वगैरह खा रहे हैं, इधर सील खा रहे हैं, सारे घास खा रहे हैं। अब बकरी को जा के सारा थोड़ा ख़त्म कराते हैं और फिर शाम को इंशाल्लाह मैं खाना डाल दूँ। तो तीन जगह मैंने घास डाल दी है, यहाँ पर माड़ू और अपनी वाइट पट खा रही है, अपना पांडा, ये
जहाँ पे सारे जानवर वहाँ पे चुन्नू और लालू खा रहे, तो ये भी भाग के वहाँ जा रहे हैं। अलग अलग डाल दिए ताकि लड़े ना, सुकून से खाते रहे। मैं ज़रा अपने दूसरे काम कर लूँ। बकरियों को मैंने पानी शानी भी डाल दिया। अब जैपनीज को बंद करते हैं और सीख को खोलते हैं थोड़ी देर। इन्हें बंद कर दिया। अब सीलो की कल तपनी वगैरह कराई थी तो उनको ज़रा थोड़ी देर खोल दें। दो दो पैर चेक किए थे। दो मुर्गों से इसकी लड़ाई कराई थी, एक जावे पट्ठे से और एक अपने काने मुर्गे से। दो पट्ठों से इसकी लड़ाई कराई और काने की भी दो से कराई, जावे से और इससे, और जावे की भी दोनों से कराई काने से और इससे। बड़ा मज़ा आया दोनों की सबकी लड़ाई देखने की। कोई पॉलिसी नहीं है कि हम दिखाएं नहीं तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये वीडियोस क्या आपको टिकटॉक पे मेरी आईडी पे मिल जाएंगी, टिकटॉक पे जाके देख लेना इनकी लड़ाई वाली। और अब हम मुर्गी के पीछे शिफ्ट करते हैं। इसने यहाँ पर नहीं बैठना, जो मर्ज़ी कर लें। ये देखो यहाँ पे तो आवाज़ भी नहीं निकाल रही, वहाँ पे बोल रही थी, तो इसे वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, अंडे रखते हैं और इसे इंशाल्लाह वहाँ पे बिठाते हैं। ये मुर्गी मैंने छोड़ी है, अंडे के साथ खेल रही है, अभी बैठी रही है। बार बार जाके बड़ी मुर्गी के पास बैठती है, वो भी तंग होती है। उसके भी आपको आज मैं दिखा दूँ अंडे कैसे रखे हुए हैं इसने। आज इसने बिल्कुल अच्छी तरह अंडे कवर किए हुए और ये खेल रही है। देखो उधर जा कर बैठने की कर रही थी, मैंने इसे अंडा यहाँ पर रख दिया ताकि यहाँ पर बैठ गए। यहाँ पे आके इसने आवाज़ कड़क वाली की है, वहाँ पे तो ख़त्म ही कर गई थी। देखना भी जी मैं मुर्गी को यहाँ पे भेजूँगा तो चीखेगी। ये देखो हल्का हल्का चीखती है, लेकिन मुर्गी ऊपर बैठ गई है। बाकी को भेज तो देखते हैं कैसे चीखती। मतलब थोड़ा ख्याल, लेकिन वहाँ पे वो बैठ नहीं रही। ये देखना आप बोले तब इसे बैठाते हूँ वहीं पे जा कर, नहीं तो इसे यहीं पे बैठाने की कोशिश करते हैं। देखो ये यहाँ पे जाने की करती है कोशिश, लड़ पड़े यहाँ पे बैठाया। अब देखते हूँ मुर्गी छोड़ के ताकि बोलती है कि नहीं, नहीं तो रात को इसे वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे जी। अब बोल रही है तो मुर्गी इधर को भेज दो ना, फिर देखना बोलती। इसका मतलब यहाँ पे बैठ जाएगी, इसे बैठा रहने देते हैं। यहाँ पे अंडे रख लेंगे इसके नीचे, क्योंकि वो करते हैं बंद। काफ़ी देर हो गए खुली हैं, कभी इधर कभी उधर, सारा मटर का कर लिया इन्होंने, तभी इन्हें बंद करते हैं। उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। इस मुर्गी का काम इस वजह से इसे मैं उधर शिफ्ट करूँगा। यहाँ से उठ के आगे यहाँ पर बैठ गई, इसे खा ले और इसको बाहर खा दो ताकि अंडे वगैरह ना ज़ाया कर दे और इसके अंडे इसके नीचे सेट कर देते हैं। इन्हें अंडे सेट कर लिए, ये अंडा पकड़ते हैं और इसे ढा के पीछे उधर ही शिफ्ट करते हैं, नहीं तो ये यहाँ पे काम खराब कर ला के यहाँ पे छोड़ दिए मैंने। तो ये बैठ जाएगी खुद ब खुद, सेट हो जाएगी, रात है इस टाइम बैठ जाएगी, नहीं तो ये वहाँ पे उसके अंडे भी ख़राब करेगी, खुद भी मतलब कि उससे मार खाएगी। तो इन्हें यहीं पर रहने देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दोबारा ना भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।